हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिनव एंड यू आर वाचिंग ईकॉम सेल। ईकॉम सेल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्लिपकार्ट का प्राइस रिकमेंडेशन टूल क्या कहता है, कैसे काम करता है, कैसे आपके बिजनेस को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और काफी सेलर्स नहीं जानते फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन में ऑप्टेन करने का तरीका। तो आज हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। चाहे आप न्यू सेलर हो या फ्लिपकार्ट के एक्सक्लूसिव सेलर हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारा चैनल जो है आपके ई कॉमर्स के बिजनेस को ग्रो करना आपकी हेल्प करता है, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेज़न हो या मीशो। तो चलिए शुरू करते हैं फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन टूल और देखते हैं कैसे काम करता है। लेट्स गो। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन के बारे में कि फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन ऐप क्या है, कैसे काम करता है, कैसे आपको बेनिफिट्स इससे मिल सकते हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये होम लिस्टिंग इन्वेंटरी जिससे आप लॉगिन करेंगे पोर्टल में। लॉगिन करने के बाद ये ग्रोथ का टैब दिख रहा है आपको। बेसिकली प्राइस रिकमेंडेशन एक ग्रोथ के पार्ट में आता है, यानी कि आप प्राइस रिकमेंडेशन क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे आपको प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है ऑल प्रोडक्ट्स, न्यू प्रोडक्ट्स, टॉप फॉर्म प्रोडक्ट्स। बेसिकली आप इन्होंने क्या करना, कैटेगरी डिवाइड करके लिखी हुई है। जैसे आप ऑल प्रोडक्ट्स है, इसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे कि इसमें आपके नए प्रोडक्ट भी आ जाएंगे, इसमें आपके टॉप ऑफ फंड प्रोडक्ट भी आते हैं, इसमें वो प्रोडक्ट भी होंगे जो अभी तक बिके नहीं आपके, जो नॉन सेलिंग प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। अगर आप इनको कैटेगरी वाइज देखना चाहते हो कि मेरे कौन से प्रोडक्ट है जो नॉन सेलिंग है, तो आप यहाँ पर नॉन सेलिंग बैक क्लिक करोगे तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके नॉन सेलिंग है। अब इनकी अगर प्राइस रिकमेंडेशन में आप सेपरेटली काम करना चाहते हो तो आप वैसे कर सकते हो। एल्स जैसे अगर आपके पास कम लिस्टिंग है, जैसे आपकी खाली 7 लिस्टिंग है और 7 लिस्टिंग के अंदर आपकी सारी कैटेगरीज फॉल कर रही हैं, ठीक है, तो ये टैब आपका ऊपर ये एक्सप्लेन करता है। अब आते हैं नीचे, इसकी दो स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें आपको बाय नाउ का बटन मिल जाता है, और एक स्ट्रैटेजी होती है उसमें कहता है कि आपके प्रोडक्ट को लोगों ने, कस्टमर्स ने ऐड टू कार्ट तो करा था बट परचेज नहीं करा। तो अगर आप अकॉर्डिंग टू फ्लिपकार्ट प्राइस जो रिकमेंड कर रहा है फ्लिपकार्ट, उसमें आप ऑप्टेन करते हो तो आपके प्रोडक्ट्स की सेल्स इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली जो प्राइस रिकमेंडेशन है वो आपकी सेल्स के इंक्रीज करने का एक बेस्ट टेक्निक कह सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हैं, तो वो कैसे हैं अब हम उस पर बात करेंगे। तो सर, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऐसे हैं कि जैसे आपको फ्लिपकार्ट जो प्राइस रिकमेंड कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, जैसे लेट्स से मैं एक प्रोडक्ट की बात करता हूँ, मेरे पास एक प्रोडक्ट है मशरूम लैम्प, ठीक है, पैक ऑफ वन। इसका जो भी मैंने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस रखा हुआ था, उसमें कह रहा है फ्लिपकार्ट मेरे को कि आपका जो करंट रिकमेंड प्राइस है वो है 108 रुपये। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है बाय नाउ लिस्टिंग प्राइस, ये मेरा लिस्टिंग प्राइस है 179। ठीक है, लेकिन फ्लिपकार्ट कह रहा है 179 आपका प्राइस बहुत हाई है, आप एक काम करो, आप इस रिकमेंड प्राइस जो आ रहा है ना, आप इसको अगर रख लेते हो 108 को, ये तो रिकमेंड प्राइस हो गया। फिर एक दिखाया हुआ है फ्लिपकार्ट ने करंट विनिंग प्राइस, जिसमें आपको बाय बॉक्स बटन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, जो करेंटली विनिंग प्राइस चल रहा है इस लिस्टिंग के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर, वो है 101 रुपये। अब फ्लिपकार्ट कह रहा है कि अगर आप रिकमेंड प्राइस को अप्लाई करते हो तो जो आपको नई सेटलमेंट वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 25 रुपये, और आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाएगी 2 यूनिट से, होती ज्यादा यूनिट से, बट एक एग्जांपल देके चलता है आपको ये। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि अगर मैं इसको अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास जो बैंक में पे आउट पहले जो आता था 179 के हिसाब से, वो पे आउट आएगा 108 आपसे, जो बनता है 25 रुपये। अब आप फर्क देखिए, 79 और 108 पूरे 70 रुपये का फर्क है, यानी कि मेरे को जो पे आउट में डिफरेंस आएगा वो 70 रुपये कम हो के आएगा, और मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं अगर 25 रुपये है, तो ये तो मेरे पास जो पे आउट आ रहा है खाली प्रोडक्ट का आ रहा है, मैंने मार्जिन क्या कमाया, मैंने तो कुछ नहीं कमाया, ना मैंने मार्जिन कमाया, ना मेरे को क्या कहते हैं और अदर एक्सपेंसेस की कॉस्ट मैं निकाल पाऊंगा, तो मेरा बिजनेस तो लॉस में चला जाएगा। इसीलिए ये प्राइस रिकमेंडेशन एक तरीके से डिसएडवांटेज के अंदर भी आता है। एडवांटेज में क्या होता है, एडवांटेज क्या कहता है, एडवांटेज ये कहता है कि लेट्स से मेरा ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, गोरिल्ला ट्राइपॉड, इसका जो मैंने अभी सेलिंग प्राइस रखा हुआ है 349 रखा हुआ है, लेट्स से मैंने बहुत हाई रखा हुआ है, ठीक है। अब होता क्या है, फ्लिपकार्ट कह रहा है आप एक काम करो, इसको आप 270 कर दो,
तो आपको जो पे आउट आएगा ना वो 168 के सब से आएगा। तो लेट से मैंने अगर अपना सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखा हुआ था और अब मुझे सेल इंक्रीज करनी है और मेरे पास जो इस प्रोडक्ट की जो प्रोक्योरिंग कॉस्ट है, पहले मैं लेता था यही प्रोडक्ट, पहले मैं लेता था थर्ड पार्टी से, ठीक है, अब मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट लेता हूँ इम्पोर्टर से। फ़र्क होता है जब आप ये प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट किसी सप्लायर या थर्ड पार्टी से लेते हो, तो लेट से वो प्रोडक्ट आपको 200 का दे रहा है, अगर वही प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बल्क क्वांटिटी में अगर आप इम्पोर्टर से लोगे तो वो आपको 100 से 150 के बीच के अंदर फॉल करेगा, समझिए। अब इससे क्या हुआ, आपने प्रोडक्ट भी सस्ते में खरीदा और आपने क्या करा, आपने कहा फ्लिपकार्ट को ठीक है अब मैं इस रेट पे बेच सकता हूँ। अब पॉइंट आपके ऊपर आता है सारा कि फ्लिपकार्ट क्या कह रहा है। फ्लिपकार्ट ने जब आप प्राइस रिकमेंडेशन में आप आते हैं तो फ्लिपकार्ट आपको ये नहीं कह रहा कि आपको इसमें ऑप्ट इन करना ज़रूरी है। फ्लिपकार्ट आपको आपकी लिस्टिंग से उठाकर आपको चॉइस दे रहा है कि भैया अगर तुम ये प्राइस रखते हो तो तुम्हें ऑर्डर आएंगी, तुम्हारी सेल इंक्रीज होंगी, तुम्हें वाई बॉक्स का बटन मिलेगा, प्लस तुम्हारे पास जो पे आउट आएगा वो साफ इतना दिखा देता है कि ये पे आउट आएगा आपके बैंक अकाउंट में। अब आप यहाँ देखेंगे तो कहीं कहीं पे -5 रुपये भी लिखा हुआ है। सेलर्स क्या करते हैं, प्रमोशन जगह भी रन किया हुआ है, फिर प्राइस रिकमेंडेशन दिखता है उनको, वहाँ भी ऑप्टेन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है वो डबल लॉस में चले जाते हैं। मेरी आपसे हमेशा सजेशन रहेगी कि जब भी आप कोई प्रमोशन रन कर रहे हैं प्लस आप प्राइस रिकमेंडेशन कर रहे हैं तो उसको आप ध्यान से देख कर करें। सेलर का काफ़ी पैसा आज के डेट में माइनस में पे आउट्स में आ रहा है, उसकी वजह ही है या तो वो बहुत ज़्यादा प्राइस रिकमेंडेशन ऑप्टेन कर लेते हैं या वो बहुत ज़्यादा प्रमोशन ऑप्टेन कर लेते हैं, जिस वजह से उनका जो पैसा है वो पे आउट माइनस में आता है। तो ये चीज़ें आपको खुद देख कर करनी पड़ेंगी। प्राइस रिकमेंडेशन एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि आपको आपके आसपास के क्या रेट चल रहे हैं और आपको कितने पे विन बाय बॉक्स विन हो सकता है, राइट, वो आपको बता देता है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इसको ढंग से देख कर नहीं करोगे कि कितना पे आउट आ रहा है, कि आपको हाथ में बचेगा नहीं बचेगा, तो वो आपका बिजनेस पूरा का पूरा लॉस में लेके जाता है। ऑर्डर्स तो आप, मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, कुछ लोगों का मित होता है कि ऑर्डर आना बड़ा मुश्किल है फ्लिपकार्ट पर, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर आना बहुत आसान है। फ्लिपकार्ट पर जो मुश्किल चीज़ है या चैलेंजिंग चीज़ है वो ये है कि ऑर्डर जब आए तो वो आपको कुछ मार्जिन छोड़ कर जाए, और अगर आप फ्लिपकार्ट में 5% या 10% की गेम्स पर काम करोगे तो कभी भी आप फ्लिपकार्ट में सक्सेसफुल बिजनेस अपना रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाय बॉक्स एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बाय बॉक्स होता क्या है, फिर मैं इस पर दोबारा आएंगे और देखेंगे कि इसमें ऑप्टेन कैसे करना है। तो दोस्तों ये जैसे आप कैमरा देख रहे हैं, कैमरा पे मैं क्लिक करता हूँ, अब इस पर मैंने सोनी वाले पर क्लिक कर दिया, अब यहाँ पे ये बायनो का बटन आ रहा है, ये बाय बॉक्स होता है। होता क्या है, अब कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेलर्स आपके प्रोडक्ट पर लॉन्चिंग कर देते हैं, जो कि गुड न्यूज़ है कि आने वाले टाइम पे वो लैचिंग सारी रुक जाएंगी, लीगली कोर्ट से अप्रूव हो चुकी है चीज़ कि आने वाले टाइम पर अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो पर तो होती नहीं है, अमेजन फ्लिपकार्ट जहाँ भी लैचिंग होती थी इंक्लूडिंग फ्लिपकार्ट, लैचिंग आने वाले टाइम में बंद हो जाएंगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी हो रही है तो मैं इसके आपको उसका एग्जाम्पल देता हूँ। तो अब क्या होता है, जैसे मान लो ये प्रोडक्ट है, मैं इस प्रोडक्ट को ओपन करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया, अब इस प्रोडक्ट पर लैचिंग हुई हुई है इसीलिए इस प्रोडक्ट पर व्यू मोर सेलर्स आ रहे हैं। जिस प्रोडक्ट पर लैचिंग नहीं होती यानी कि मैपिंग नहीं होती, उस प्रोडक्ट पे व्यू मोर सेलर्स नहीं आता। अब आप देख रहे हैं कहीं पर आपको व्यू मोर सेलर्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि जो ये ब्रांड है ये है सोनी और जो इसका सेलर है वो है कॉर्सिका, ये रहा, और यही बंदा है जो ये प्रोडक्ट बेच रहा है, तो जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं इसके पास जा रहे हैं। लॉन्चिंग और मैपिंग में दिक्कत कहाँ हो जाती है कि जैसे ये प्रोडक्ट मैंने आपको बताया वो मशरूम लाइट, ठीक है, मैं बेच रहा हूँ 179 का, अब एक सेलर आ गया कह रहा है भाई मैं तो तुझसे सस्ता बेच सकता हूँ, चाहे उसको सेलिंग प्राइस सेट करना आता हो या ना आता हो, वो अपना प्राइस रिकमेंडेशन देख के अप्लाई कर देते हैं और प्राइस चेंज हो जाता है। प्राइस चेंज हो क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे जब तो देखिए कितने सारे सेलर्स हैं, कोई 219 का, कोई 164 का, ये देखिए मेरा आ रहा है 179 का, ठीक है। फिर अभी जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है वो ये बेच रहा है 132 का, इसलिए इसके पास बाय बॉक्स है, इसका नाम है, सेलर का नाम है, मैं नाम नहीं देना चाहूँगा, तो इसके पास बाय बॉक्स है। अब वो कह रहा है कि जो मेरे ऑर्डर्स हैं वो सारे इसके पास जा रहे हैं। अब मेरे को फ्लिपकार्ट ने क्या करा है, मेरे को फ्लिपकार्ट ने प्राइस रिकमेंड करा है इससे नीचे का, अगर इससे नीचे के प्राइस में अप्लाई कर दूंगा तो
तो मेरे को ये पे आउट आएगा और मेरे को बाय बॉक्स मिल जाएगा, तो मेरे पास मेरे ऑर्डर वापस आने शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपका प्राइस रिकमेंडेशन। सो फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंड आपको कब करता है? फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंड करता है आपको दो केसेस में। पहला आपका होता है कि जब कोई आपने प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई कर रखा है और आपको बिल्कुल भी ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं और आसपास के सिमिलर प्रोडक्ट्स कैटेगरी के ऑर्डर्स आ रहे हैं लोगों को और आपको नहीं आ रहा, तो वो सिमिलर प्रोडक्ट का जो प्राइस है ना वो सर्च करके आपको प्राइस रिकमेंडेशन में ला के दिखा देता है कि देखो ये प्राइस है, आप ये रख लोगे तो ऑर्डर आ जाएंगे। तो आप चेक कर सकते हो, अगर आपको उतना मार्जिन बच रहा है तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। सेकंड सिनेरियो क्या होता है? सेकंड सिनेरियो होता है जो भी प्रोडक्ट आपने लिस्ट कर रखा होता है ना, उस प्रोडक्ट पर अदर सेलर्स जब मैपिंग कर देते हैं, जब लॉन्चिंग कर देते हैं, वो लॉन्चिंग मैपिंग होने के बाद आपको फ्लिपकार्ट उस प्रोडक्ट को प्राइस रिकमेंडेशन दिखाता है कि भैया ऐसा है प्रोडक्ट खोलो, तुम्हारे जो ऑर्डर आ रहे थे वो रुक गए हैं। क्यों रुक गए हैं? खोल दिया, फ्यू मोर सेलर्स पे जाओ, देख लो इतने सारे सेलर ने लॉन्चिंग कर रखी है, अब इन सेलर में से इसका इतना प्राइस है, अगर उतना प्राइस आपको मैंने दिया हुआ है, इतना प्राइस आप कर देते हो तो उसके वजह का आपको वापस आने ऑर्डर शुरू हो जाएंगे। अब अगर आप उसमें मार्जिन आपको बचता है तो अप्लाई कर दो, नहीं बचता तो अप्लाई मत करो। यही प्राइस रिकमेंडेशन का काम होता है। इंक्रीज कैसे करता है ऑर्डर लाना? इंक्रीज इसलिए करता है, टेक्निक बेस्ट क्यों है ये? इसलिए बेस्ट टेक्निक है कि कई सेलर को नहीं पता होता कि सेलिंग प्राइस क्या सेट करें, तो वहाँ पे ये आपको हेल्प कर देता है प्राइस रिकमेंडेशन, सेलिंग प्राइस बताने के लिए कि क्या आपको रखना चाहिए अगर आपने प्राइस बहुत हाई कर रखा है। अगर आपको सेलिंग प्राइस सेट करना होता है तो आपके पास जवाब आपका है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे, लेट्स से हमने इस पर क्लिक किया, अप्लाई अप्लाई अप्लाई, हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। अभी अप्लाई हो गया, ठीक है। आप जो चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो गए होंगे। अब मैं वापस जाता हूँ लिस्टिंग टैब पे, तो लिस्टिंग टैब पे मैं वापस जाऊँगा चेक करने के लिए। अब देखो यहाँ पे जब मैं F5 करूँगा तो वो जो मेरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए आ गया, ठीक है, ये हो गया प्राइस चेंज। अब देखो फ्लिपकार्ट आपको पॉपअप दे रहा है कि थैंक यू फॉर काउंटिंग सब्सक्रिप्शन, नाउ अडॉप्ट प्राइस फॉर प्रोडक्ट्स एंड ग्रो सेल्स बाय यूनिट्स एंड आल्सो यू कैन विन अ बाय नाउ बटन, अडॉप्ट रिकमेंडेशंस नाउ। तो ये होता है प्राइस रिकमेंडेशन का काम। फिलहाल इसका प्राइस चेंज कर देता हूँ, था ओके। सो ये होता है प्राइस रिकमेंडेशन का काम। अब चलिए वीडियो के एंड में चलते हैं, देखते हैं आपके लिए वीडियो में क्या रखा है। सो गाइस कैसे लगी आपको वीडियो? आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट प्राइस रिकमेंडेशन के अंदर कैसे ऑप्टेन करना चाहिए, सेलिंग प्राइस कैसे सेट करना चाहिए और किस सेलिंग प्राइस पे आपको कितना मार्जिन बचता है। रिकमेंडेशन टूल आपको ये भी बताता है। ऐसे ही फ्लिपकार्ट से रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियोस बनाते रहते हैं। मैंने लास्ट ईयर वीडियो बनाई थी कि फ्लिपकार्ट के प्रमोशन में कैसे ऑप्टेन करें। अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में आपको लिंक दिख जाएगा या आप थंबनेल देख सकते हैं इस वीडियो के बाद जाके वो भी देख सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना ना भूलना। और जैसे अभी हम फ्लिपकार्ट की जर्नी पे वीडियो बना रहे हैं, बेसिक से एडवांस तक आपको पूरी ट्रेनिंग में दे रहा हूँ, ऐसे ही मैं मीशो पर ट्रेनिंग बना चुका हूँ। तो अगर आप मीशो सेलर हैं और आपको उधर भी कोई दिक्कत आ रही है सेल करते हुए तो आप मेरी मीशो की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिर आप चैनल पर जाएंगे, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहां पर मैंने बेसिक से लेकर एडवांस तक फ्री में पूरा कोर्स बना रखा है मीशो के प्रो सेलर का, और उसी प्रकार मैं फ्लिपकार्ट के प्रो सेलर का कोर्स बना रहा हूँ जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।